बलिदान करना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सुरंगरानियों का बलिदान देश की बताली बेहतरी के लिए था। अपने देश के हित को सर्वप्रथम रखते हुए उन्होंने अन्याय अपने निश्चित उत्पीड़न और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी। स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं था, यह सोचने व्यक्त अभिव्यक्त करने और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनाने की सत्ता के बारे में भी था। हमें सभी मस्तिष्कों को प्रेरित करने, आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने और जिज्ञासा की भावना को बढ़ावा देने की शक्ति है। ऐसा करके हम एक प्रगतिशील समावेशी देश का निर्माण में अपना योगदान देते हैं। आज हमें उनके प्रश्न का फल प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि विशेष अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी आती है। स्वतंत्र भारत के पथ प्रदर्शक के रूप में हमारा यह कर्तव्य है कि हम उनकी विरासत को कायम रखें। हमें अपने कार्यों, निर्णयों और आकांक्षाओं से अपने राष्ट्र को सर्वोपरि रखना है। आइए हम अपने राष्ट्र की भलाई को प्राथमिकता दें, समाज में अपना सकारात्मक योगदान दें, अपने मूल्यों को बनाए रखें और सभी के लिए एक उज्ज्वल भविष्य के निर्माण की दिशा में काम करें। हम इस सुधार दिवस पर महात्मा गांधी के बहुमूल्य शब्दों को याद करें, स्वयं को खोजने का सबसे अच्छा तरीका स्वयं को दूसरों की सेवा में खो देने में। अधिकारियों के तौर पर हम अपनी अगली पीढ़ी का पोषण कर उन्हें ज्ञान मार्गदर्शन देकर उन्हें सभी के लिए ईमानदारी, सहानुभूति और सम्मान के मूल्यों को स्थापित करके अपनी सेवा देते हैं। आज जब हम तिरंगा फहराएं तो हमें अपनी एकता, विविधता, अटूट भावना का प्रतीक बनाएं। आइए हम सब मिलकर अपने देश के उज्ज्वल भविष्य का संकल्प लें, ताकि प्रत्येक नागरिक को आगे बढ़ने और राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने का अवसर मिले। मैं अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी इग्जाम्पल देना चाहूँगा। उन्होंने कहा, आधी रात के समय अगर दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। आइए हम सुनिश्चित करें कि यह जागृति जारी रहे और हम स्वतंत्रता, न्याय और समानता के आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहें। हमारे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन और गुणवत्ता निष्पादन के कारण हम कई उपलब्धियों को हासिल कर पाने में सक्षम हो पाए हैं।